हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि सीडी से हम कैसे डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। लाइक मैं सीडी से वॉल हैंगिंग्स बनाऊंगी या फिर इसको पेंट करके मैं इसके एक सीनरी या वॉल पेंटिंग क्रिएट करूंगी। ठीक है, हमने ये प्लेन सीडी ली है, वेस्ट सीडी है, जो पुरानी सीडीज बचती हैं जिनमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, उन सीडीज को हमने यूज किया है। अब इस पे मैं सबसे पहले अपने कलर्स यूज करूंगी। मैं यूज करती हूँ ये फैब्रिक कलर्स। ठीक है, इस पे मैं सबसे पहले येलो कलर का फैब्रिक कलर करूंगी। और ये एक कोट से नहीं होगा, इस पे कम से कम दो या तीन कोट आपको करने पड़ेंगे। इस पे मैंने पहले से किया हुआ है एक कोट पहली सीडी पे, इसी पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। लाइक इस पे मैं एक बार दोबारा से येलो कोट कर रही हूँ, क्योंकि एक कोट बहुत लाइट रहता है फैब्रिक। अगर आप इस पे वुडन पेंट यूज करोगे, जो हम गेट पे पेंट यूज करते हैं, या उससे ब्रशेस बहुत खराब हो जाते हैं, लेकिन वो एक या दो कोट में वो हो जाते हैं सफिशियंट। लेकिन अगर हम ये फैब्रिक कलर्स यूज करेंगे तो हमें इसको कम से कम तीन चार बार इसको कोट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो अच्छा लुक नहीं देंगे, उसमें पीछे सीडी दिखेगी, बिकॉज सीडी बहुत प्लेन होती है तो वो हमें दिखती है पेंट करने के बाद भी, लेकिन दो तीन पेंट होने के बाद वो सही हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सीडी पे पेंट किया है एंड इट इज ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, थोड़ी देर हम इसको सूखने के लिए रखेंगे, 5-10 मिनट में ये सूख जाएगी। मैं इस पे जो करने जा रही हूँ, मैं इस पे किचन के लिए मॉम्स कैफे करके कुछ तो भी इस पे लिखूंगी और मैं इसको किचन की वॉल पे हैंग करूंगी। ऑलमोस्ट सूख गया है ये। अगर हम इस पे वुडन पेंट्स यूज करेंगे, जो इस ऑयल पेंट्स आते हैं गेट पे करने वाले, तो उनको टाइम लगता है सूखने में, उनको आपको कम से कम एक दिन सीडी को रखना पड़ेगा सूखने के लिए। इसलिए मैं ये फैब्रिक कलर्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये तुरंत सूख जाते हैं। नाउ आई विल क्रिएट समथिंग ऑन दिस। लाइक आप चाहे आपके मन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पे सिंपल लीव्स ड्रॉ करूंगी, बिकॉज आई लाइक दैट। It will really look good when it will be completed. आप चाहें तो आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं अपने मन से। मुझे बहुत ही सिंपल और इको फ्रेंडली ग्रीन सा लुक देना था, ग्रीन और येलो टच, तो मैं इस पे आप चाहे तो पहले पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, उसके बाद आप कलर कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूट करे।
ये सब आपकी मैंने ऐसी बहुत सारी सीडीज क्रिएट की है, आपको उन सबका नीचे का दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ तो मैं दोबारा से उसको नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको फोटो जरूर उसका शेयर करूंगी। ये मेरा पहला पोस्ट है, इससे पहले मैंने बहुत कुछ बनाया लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मुझे इस तरह से YouTube पे उसको शेयर करना चाहिए। अभी लगा कि कुछ करना चाहिए तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ। वही देखिए, बनाते बनाते ही सूख रहा है, इसीलिए मैं ये कलर्स प्रेफर करती हूँ। मैंने ऑयल पेंट्स भी, जो वुडन पेंट्स होते हैं, एशियन पेंट्स वाले जो मिलते हैं, वो मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, लेकिन उनमें बहुत टाइम लगता है, उनको कम से कम आपको एक दिन रखना ही पड़ेगा सुखाने के लिए। मैंने बहुत सारे फ्लावर वास वगैरह भी पेंट किए, अगर मुझे पहले दिमाग में आता तो मैं आप लोगों से उसकी भी वीडियो शेयर करती, पर कोई नहीं, मैं उसका पिक ज़रूर आप लोगों को सेंड करूँगी।
एक्चुअली मुझे जो प्राइमरी कलर्स हैं ये बहुत पसंद है, क्योंकि ये इंडियन लुक देते हैं। मेरी बेटी भी यही कलर्स यूज़ कर लेती है मेरे, तो सारे कलर्स ऐसे ही सूख जाते हैं क्योंकि वो खोल के रख देती है और फिर मैं ऐसे ही वाटर मिक्स कर करके उनको यूज़ करती हूँ। और ये देखिए ना कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, इतने सूख चुके हैं। एनीवेज पहले मैं जब करती थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने शुरू किया था ये सब, तो पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ करती थी, उसके बाद क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्ट भी कर लेती हूँ। मेरा बच्चा जग चुका है, अभी वो 1 साल का है, अब शायद वो मुझे नहीं करने देगा, देखती हूँ जब तक करने देता है।
बहुत सिंपल करती हैं लेकिन वो बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। मैंने ऐसी काफ़ी सारी सीडीज पेंट की हैं, बिल्कुल सिंपल जो कि डिजाइंस ये सब मैंने क्रिएट किए, लेकिन वो बनने के बाद इतनी सुंदर लगती थी। दिखाऊंगी मेरी वॉल्स पे हैंड पेंट जो सब एक डिफरेंट पैटर्न है। बच्चा जग चुका है और वो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा, आई एम श्योर ही इज ट्राइंग टू मेस अप ऑल द थिंग्स। छोटा है जो शुरू कर रही हूँ ये सब पोस्ट करना, तो प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिएगा, अपने लाइक्स दीजिएगा,
ताकि मैंने जो और अच्छे इससे मच बेटर बनाए हैं पहले, अभी क्योंकि छोटा बच्चा है तो मैं जल्दी जल्दी फिनिश करने के चक्कर में थोड़ा सा कम इसको ध्यान दे पा रही हूँ, बट मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। बशर्ते मेरा बच्चा मुझे करने दे। एक्चुअली वो कुछ भी करे कलर्स अपना जादू दिखाते ही हैं, और जो इंडियन आर्ट है दैट इज वेरी ग्रेट। बच्चा सोच रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। कुछ भी बनाए वो एक आर्ट ही बन जाता है आजकल तो, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मॉडर्न आर्ट, वो सब कुछ ऐसे ही बनते हैं। आप चाहे तो इसमें कुछ और भी थीम दे सकते हैं, कुछ और कलर्स दे सकते हैं। तो मुझे थोड़ी डार्क कलर्स करने थे इसलिए मैंने ये सारे कलर्स चूज किए हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, रेड। बनने के बाद हर चीज अच्छी लगती है, कलरफुल चीज। इफ यू वॉन्ट टू मेक समथिंग ओवर हेयर यू कैन, इतना सिंपल भी अच्छा लग रहा है। और अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन, लाइक I would like to add some kitchen tools. It's mop, can we?
इट्स कंप्लीटेड। इसके अलावा और कुछ करेंगे तो बहुत भर जाएगा। थैंक यू। प्लीज अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।